नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बसों के बढ़े हुए किराए के बारे में। बिहार में बसों के किराए को लेकर यात्रियों और कंडक्टर के बीच में आए दिन झड़प की खबरें देखने को मिलती है। बता दें कि कोरोना के कारण लागू हुई पाबंदियां जब से समाप्त हुई उसके बाद से बस मालिकों ने बस का किराया मनमाने तरीके से बढ़ा दिया है और इसकी खबरें भी मीडिया की सुर्खियां खूब बटोरी थी उस समय, और उसके बाद से जरा कई तरह की खबरें मीडिया में भी चली थी। इधर परिवहन विभाग के पास बस मालिकों ने भी बस का किराया बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। इधर परिवहन विभाग ने किराया में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रकाशित किया है। इस पर लोगों से एक महीने में आपत्तियों और सुझाव भी मांगे गए हैं। डीजल की दर में वृद्धि और अन्य वृद्धि के मद्देनजर करीब 5-20% तक किराया वृद्धि का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने प्रकाशित किया है। परिवहन विभाग ने प्रकाशित बस भाड़े का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया है। इस पर एक महीने में लोगों से अपनी आपत्तियाँ और सुझाव देने की भी बात कही गई है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक साधारण बस के लिए अब प्रति किलोमीटर 1.5 रुपया जबकि डिलक्स बस सेवा के लिए प्रति किलोमीटर 1.70 रुपया की दर से बस का किराया देना होगा। बता दें कि बिहार में इससे पहले साल 2018 में बसों का किराया निर्धारित किया गया था। तब पेट्रोल और डीजल के दाम जो 85 रुपये पेट्रोल के दाम थे और डीजल के दाम जो थे वो 78 रुपये प्रति लीटर थे। आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत जो है 95 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डिलक्स एसी बस के लिए प्रति किलोमीटर 2 रुपये और वॉल्वो बस मर्सिडीज या फिर उसके समतुल्य बस सर्विस के लिए 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर तक का किराया लोगों को अब देना होगा। लंबी दूरी की बस सेवा के लिए जो प्रस्ताव परिवहन विभाग ने दिया है उसके अनुसार बस भाड़े की गणना पहले 100 किलोमीटर तक के लिए उस पर श्रेणी में बेसिक भाड़े की दर के आधार पर, जबकि 101 से 250 किलोमीटर की दूरी तक के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा की दर आधार पर आधारित किराए में 20% तक की कमी और 251 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए उच्च श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के निर्धारित किराए में 30% तक की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलोमीटर तक का जो किराया होगा उसमें जो है जो न्यूनतम किराया जो तय किया गया है उसी आधार पर जो है आपको किराया देना होगा, लेकिन उसके बाद 101 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक का जो किराया होगा उसमें जो है 20% तक की छूट दी गई है। उससे आगे का जो अगर आप सफर करते हैं उससे ज़्यादा दूरी तक का अगर सफर करते हैं तो अब जो है आपको 30% तक की छूट दी जा सकती है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार जो है अब जो है बसों के किराए को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो ली है। इस बस भाड़े में हुई बढ़ोतरी को लेकर बोलते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार ने बताया कि 3 साल से बसों का किराया नहीं बढ़ा है। बसों के मनमाने किराए से किराया वसूलने की खबरें लगातार हमें मिल रही थी। इधर बस मालिकों ने भी आवेदन देकर बस भाड़ा बढ़ाने की मांग की थी जिसके बाद किराया पर पुनर्निर्धारण किया गया है। एक महीने में लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। निर्धारित किराया से ज़्यादा वसूलने पर परिवहन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। हर 6 महीने में बस किराए का रिवीजन जरूरी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आधार पर यह सारा कुछ तय होगा। बस किराए में वृद्धि के बाद से अब बस का सफर महंगा हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर परिवहन विभाग ने बसों के किराए में 67% तक की वृद्धि कर दी है। इधर जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह बसों का किराया सभी जगहों पर सार्वजनिक करे। यह भी कहा गया है कि भाड़े का निर्धारण बैठने की क्षमता के आधार पर किया गया है। अगर इससे अधिक यात्री बैठाए गए तो उस पर ओवरलोडिंग का मामला दर्ज किया जाएगा और ऐसे में जो है परिवहन विभाग ऐसे बस मालिकों पर कार्रवाई भी करेगी। तो ये थी परिवहन से जुड़ी हुई खबर जिसमें कि बस का किराया जो है बढ़ने की बात कही गई है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि लगातार जो है मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि बस मालिक और पैसेंजरों के बीच में जो है आपस की झड़प की खबरें चली थी, और इधर डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि के बाद से जो है बस मालिकों ने अपनी एक शिकायत भी सरकार के सामने रखी। तो दोनों का पक्ष सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने एक मूल्य जो है वो तय कर रखा है और आम लोगों से इसको लेकर सुझाव भी मांगी गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।